गाइस कैसे आप सभी लोग, अप करता हूँ गाइस सभी लोग बड़े होंगे। तो गाइस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड के सेकंड एपिसोड में। गाइस फर्स्ट एपिसोड में हमने ये विलेज को फाउंड किया था। तो गाइस आज भी हमारे कुछ छोटे से टास्क हैं। तो गाइस आज सबसे पहले हमें एक आयरन आर्मर को कम्प्लीट करना है, उसके बाद हमें कुछ विलेजर को कैप्चर करना है। और वो क्यों करना है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर से पता चल जाएगा क्यों हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो बिना किसी देर वीडियो करते शुरू, उससे पहले चैनल पर जो भी न्यू है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस माइनिंग ट्रिप पे जाने के लिए हमें कुछ वुड और कुछ सामान की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं अपने पास ही के जंगल में जाके थोड़ी सी वुड इकट्ठा करके लेके आता हूँ। गाइस माइनिंग ट्रिप पे जाने के लिए जो जो भी सामान चाहिए वो मैंने सारा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद गाइस मैंने अपने विलेज के आसपास ही एक केव देखी थी, तो चलो उसके अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये वाली केव है वो जो मैंने देखी थी विलेज के आसपास। तो गाइस ये ज़्यादा डीप तो नहीं दिख रही है। तो गाइस यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक मकड़ी आ गई, पहले इसको मारते जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा, जल्दी से मैं टॉर्च प्लेस करता हूँ यहाँ पे। गाइस इसको पहले मार देता हूँ जल्दी से। गाइस इसके में ज़्यादा कुछ लदा नहीं, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कोल है, जल्दी से ये इकट्ठा करके वापस मिलता हूँ आपसे। गाइस उस विलेज के अंदर वाले कैम में मेरे को कुछ नहीं मिला, उस विलेज से मैं थोड़ा सा दूर आया हूँ। यहाँ पे मेरे को एक और कैम लदी, इसके अंदर चलते हैं जल्दी से, यहाँ पे टॉर्च प्लेस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा सा आयरन ये कलेक्ट करता हूँ जल्दी से। गाइस वहाँ से भी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, वहाँ पे एक छोटी सी केव ही थी, उसके अंदर आयरन भी नहीं था, थोड़ा सा आयरन मिला था, 10 आयरन मिल गए थे वहाँ से। तो गाइस वहाँ से मैं थोड़ा सा दूर आया और देखो गाइस मेरे को कितनी ओपन फील्ड यहाँ पे जगह मिली है। तो गाइस यहाँ से मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ। तो गाइस यहाँ से जल्दी से मैं यहाँ से छलांग मारता हूँ नीचे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ। गाइस यहाँ पे कितने सारे आयरन वगैरह और भी ओर्स हैं, तो जल्दी से मैं यहाँ पे जितने भी आयरन है सारे को कलेक्ट करके आपसे वापस मिलता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत देर तक माइनिंग की और मेरे को बहुत सारा आयरन मिला। यहाँ पे थोड़ा सा कोल है, जल्दी इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ मेरे को कितना सारा आयरन मिला। यहाँ पे नीचे एक कोल का और है, जल्दी से इसको भी उठा लिया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्नेस में सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। गाइस ये एक स्टैक से भी ज़्यादा आयरन मिला था मेरे को। तो गाइस ये जल्दी से ये सारा आयरन स्मेल्ट करके वापस मिलता हूँ आपसे। तो गाइस सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, जल्दी से अब एक आर्मर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक हेलमेट बनाते हैं और एक चेस्ट प्लेट और बूट्स एंड लेगिंग्स। तो गाइस अपना पूरा आर्मर तैयार हो चुका है, जल्दी से इसको पहनते हैं। तो जल्दी से हेलमेट पहनो, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड बूट्स। तो गाइस अपना आयरन का आर्मर तो कंप्लीट हो चुका है, अब जल्दी से चलते हैं वापस विलेज के अंदर। तो गाइस मैं आपको विलेज के अंदर ही मिलता हूँ। गाइस अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हो उसको थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, और चैनल पर जो भी न्यू है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस सबसे पहले विलेज के अंदर आके मैंने अपना सारा सामान चेस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो गाइस चेस्ट के अंदर सारा सामान जमाने के बाद जब शाम हो गई थी और मैं सोने जा रहा था, तो गाइस मेरे को अपने बेस के पीछे एक दो छोटे छोटे पांडास मिले। गाइस कितने क्यूट है ये पांडास, देख सकते हो आप, एक पांडा ये रहा और एक आगे और है। तो गाइस ये दोनों पांडे मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और आगे चलते इनके लिए भी हम कुछ अच्छा सा बेस टाइप बनाएंगे। और गाइस सबसे पहले इस जोम्बी को मार देता हूँ और जल्दी से जाके सो के आता हूँ। गाइस जो हमारा फर्स्ट टास्क था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया आयरन आर्मर बनाने का, अब जो अपना सेकंड टास्क है वो है विलेजर को कैप्चर करना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं विलेजर के लिए एक छोटी सी जगह बनाता हूँ, और जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना इन विलेजर को मैं क्यों कैप्चर कर रहा हूँ। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे जगह बनाने के बाद। गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बना दी है, अब जल्दी से यहाँ पे थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगा देते हैं। गाइस यहाँ पे टॉर्चेस लगाने के बाद जो मैं विलेजर के यहाँ से बेड चुड़ा के लेके आया हूँ, जल्दी से उनको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। गाइस मैं 3 बेड्स लेके आया हूँ, जल्दी से इनको लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद विलेजर को कैप्चर करके लेके आते हैं। तो 1, 2 और 3। तो गाइस अब जल्दी से यहाँ से बाहर चलते हैं और एक विलेजर को कैप्चर करके लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को एक विलेजर दिख चुका है, जल्दी से इसको बोट के अंदर बिठाते हैं। एक सेकंड गाइस, मेरी बोट कहाँ गायब हो गई? गाइस यहाँ पे मैंने प्लेस की थी, अब मेरे को एक और बोट बनानी पड़ेगी गाइस। तो जल्दी से मैं एक और बोट बना के इसको कैप्चर करता हूँ। तो गाइस इसको कैप्चर करके मैं अपने बेस की तरफ लेके जा रहा हूँ जल्दी से। भाई जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल भाई, भाई जल्दी से इसको बेस की तरफ लेके चलते हैं और फिर एक और विलेजर को लेके आते हैं। तो गाइस ये आ चुका है, अब जल्दी से एक और विलेजर को लेके आता हूँ मैं। गाइस यहाँ पे दोनों विलेजर को मैं लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी वर्क स्टेशन लगा देते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं। तो गाइस जल्दी से यहाँ से अब बाहर निकल जाते हैं। गाइस यहाँ पे वाटर बकेट डाल के यहाँ से बाहर आ गया हूँ मैं। गाइस इनको थोड़े से ब्रेड भी दे देता हूँ जिनसे ये ब्रीडिंग कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसको थोड़े से ब्रेड पकड़ा दिया, अब इसको भी पकड़ा देते हैं। तो गाइस इनको मैंने ब्रेड भी दे दिया, अब ये ब्रीडिंग कर लेंगे। और गाइस आप जल्दी से इस जगह को यहाँ पे बंद कर देते हैं डट लगा के। तो गाइस जल्दी से यहाँ पे डट लगा के बंद करते हैं। और गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना हमने इनको क्यों कैप्चर किया। और आपको नहीं पता तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर से देखना। तो गाइस आज के लिए इतने, हम मिलेंगे ऐसे अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।